वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने का जायजा आज लेगी। वफाकी काबीना में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की समरी पेश की जाएगी। बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस बताएगा, एक और जो शर्त है उस पर अमल दरामद के हवाले से आज बहस की जाएगी, कितने रुपए का हो जाएगा फिर बिजली का यूनिट? देखिए, ये बहुत ही अहम आपका सवाल है। उसकी वजह यह है कि आज चूंकि मंगल का कैबिनेट होती है, लेकिन आज जो कैबिनेट का खुसूसी इजलास बुलाया गया है, इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि आया वफाकी काबीना बिजली का जो बुनियादी जो टैरिफ है 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट, उसका बढ़ाने की इजाजत देती है या नहीं। ये दरअसल जो है वफाकी काबीना में आज ये टेकअप हो रहा है, जो बेसिक टैरिफ है जिसकी नेपरा ने मंजूरी दी है, और जो IMF की जो शरायत के मुताबिक ये चीज होने जा रही है। इसके जो शेड्यूल है वो उसका जो बुनियादी जो टैरिफ है वो मरहला वाल बढ़ाने की जो है तजवीज़ है। जुलाई से बिजली 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की प्रपोजल है, उसके साथ अगस्त से बिजली मजीद 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी, और अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट जो है वो बढ़ाने की जो है प्रपोजल है। बिजली की कीमत में कितना और कब इजाफा होना है, फैसला आज वफाकी काबीना में बहस के बाद होगा। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था, लेकिन याद रहे कि इससे पहले भी के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ में इजाफे का जो है वो समरी मुसरत की वफाकी काबीना में, लेकिन ये जो एक अहम जो बुनियादी टैरिफ का जो 7 रुपये 91 पैसे का मामला है, ये आज वफाकी काबीना ने इसका फैसला करना है कि आया ये पास ऑन करना है आवाम पर या इसको होल्ड करना है। इसका फैसला अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का खुद ना खुद इजलास शुरू होने वाला है 2:30 बजे के करीब, उसमें इसका फैसला। ठीक है वैसे आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाज़रीन को खबर दे रहे हैं कि एक और बिजली बम जो है वहां पर गिर सकता है, क्योंकि आज के होने वाले काबीना के इजलास में जो बेसिक टैरिफ है उसमें इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है।